डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देख लिया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स बताऊंगा जिनको हो सकता है कि आपने देखते वक्त मिस कर दिया होगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, मूवी की स्टार्टिंग में जब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका की पावर्स के लिए उसे सेक्रीफाइस करने वाला होता है तो उससे पहले वो ग्रैंड कैलकुलस वाला डायलॉग मारता है। Your sacrifice is worth more than your life. और यही वाला डायलॉग स्पाइडरमैन नो वे होम में अपना वाला स्ट्रेंज भी मारता है जब वो विलन्स को सैक्रिफाइस करने वाला होता है। The grand calculus of the multiverse. Their sacrifice means infinitely more than their lives. Number 2, डॉक्टर स्ट्रेंज जब गैरगेंटोस से फाइट कर रहा होता है तब यहाँ पर इस साइन बोर्ड पर मैजिक टी का ऐड होता है। तो यहाँ पर ये मैजिक टी का ऐड फोरशैडो करता है मूवी में आगे आने वाले अल्टरनेट यूनिवर्स के उस सीन को जिसमें मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस को बेहोश करने के लिए चाय में सेंस ऑफ निशांति मिला देता है। नंबर 3, और इसी सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ से एक कप नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर हम क्लियर नोटिस कर सकते हैं कि वो टूट जाता है, लेकिन इसके नेक्स्ट सीन में वो कप एकदम ठीक ठाक होता है जो कि एक CGI मिस्टेक थी। नंबर 4, क्रिस्टीन की वेडिंग वाले पहले ही शॉट में एक औरत अपने दो बच्चों के साथ दिखती है। ये फोरशैडो करता है वांडा और उसके ट्विंस को और मूवी के डायरेक्टर ने ये बताया कि ये शॉट उन लोगों ने इसलिए डाला था ताकि वो मूवी में पहले ही हिंट दे सके कि मूवी के प्लॉट के लिए वांडा और उसके ट्विंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, गैरगेंटोस से फाइट करते वक्त जब गैरगेंटोस के टेंटिकल्स कट जाते हैं तो इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो पता चलेगा कि उसका ब्लड एक्चुअली में ब्लैक कलर का होता है और इस फाइट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग फाइट करने के लिए जो वेपन यूज करते हैं वो कॉमिक से लिए गए हैं। नंबर 6, इस सीन में पीछे स्टैनली लिखा होता है जो कि ऑब्वियसली लेजेंड स्टैनली का रेफरेंस था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्टैनली के नाम में डबल ई आता है, EY नहीं आता, तो उनको बता दूं कि स्टैनली का रियल नाम स्टैनली मार्टिन लीवर था। नंबर 7, जिस जगह गैरगेंटोस से फाइट हो रही होती है वो बिल्कुल स्पाइडरमैन 2 के इस फाइटिंग सीन के जैसी थी जिसमें अभी ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के साथ ऐसे लड़ रहा होता है और जैसे आंट मे को लेज पर खड़े होने के लिए बहुत कम जगह होती है और वैसे ही अमेरिका के साथ भी हो रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर जब गैरगेंटोस डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है तो अमेरिका चावेस ऊपर से कंक्रीट गिराती है तो ये एक स्पाइडरमैन 3 का रेफरेंस था। और उसमें भी जब वेनम स्पाइडरमैन को जकड़ लेता है तब MJ ऊपर से कंक्रीट गिराती है जिससे वेनम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और स्पाइडरमैन को निकलने का मौका मिल जाता है। नंबर 8, यहाँ पर इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद पता चलता है कि कब अमेरिका चावेस ने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग को उनके हाथ से निकाला। नंबर 9, वांडा के दोनों ट्विंस जिनका नाम बिली और टॉमी है उनका ऐसा ही सेम रूम वांडा विजन में भी था, बस दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है और ये जो सीन है वो वांडा विजन से ही लिया गया है। बस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के ऊपर जूम करके दिखाया गया है ताकि विजन फ्रेम से बाहर ही रहे। नंबर 10, जब वांडा कामाताज पर अटैक करने वाली होती है तब इस सीन में यहाँ पर पीछे दो सॉर्सरर वांडा के लिए ट्रैप बिछा रहे होते हैं और आगे चल के जब वांडा कुछ सॉर्सरर्स को मारकर अंदर घुसती है तब वो गलती से इसी ट्रैप पर पैर रख देती है जिसकी वजह से वो मिरर डायमेंशन में कैद हो जाती है। नंबर 11, जब स्कारलेट विच अर्थ 838 वाले यूनिवर्स में वांडा के घर जाती है तब बिली और टॉमी टीवी पर एक कार्टून देख रहे होते हैं और ये कार्टून एक सीरीज नहीं बल्कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम आइलिस इन द वॉली वेस्ट है और इसको वर्ल्ड डिज्नी ने डायरेक्ट किया है। नंबर 12, जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हैं तो वो सेम जगह होती है जहाँ पर वो ओरिजिनली अपने यूनिवर्स में मौजूद थे और डिफेंडर स्ट्रेंज को दफनाया था और पीछे देखने पर ये पता चलता है कि ये अर्थ नेचर को सस्टेन किया हुआ है और जहाँ ओरिजिनली ये एक रोड थी लेकिन इस यूनिवर्स में एक वाटर बॉडी है। नंबर 30, कैप्टन कार्टर की एंट्री पर जो म्यूजिक बजता है, कैप्टन कार्टर हमारी पहली एवेंजर, वो म्यूजिक एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी का है। नंबर 40, प्रोफेसर एक्स की आउटफिट को अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि आउटफिट और येलो हावर चेयर और टाई का डिजाइन एक्स मैन द एनिमेटेड सीरीज से लिया गया है और उसकी एंट्री पर जो म्यूजिक प्ले होता है ये उसी सीरीज का ओपनिंग थीम है। और मिस मार्वल में जब ये रिवील होता है कि कमाला एक म्यूटेंट है तब भी यही म्यूजिक प्ले होता है। नंबर 50, जब प्रोफेसर एक्स वांडा के माइंड में जाता है तब वहाँ पर 838 वाली वांडा एक घर के मलबे के नीचे दबी हुई होती है और एक पुराने टीवी पर वांडा विजन चल रहा होता है और ये वांडा विजन का रेफरेंस था। उसमें भी वांडा और पियत्रो अपने बचपन में अपने घर के मलबे के नीचे इसी तरह से दबे हुए होते हैं और टीवी पर डिक वैन डाय शो चल रहा होता है। और इसी सीन में जब वांडा प्रोफेसर एक्स की गर्दन को तोड़ देती है तो अगर आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे और वो उसकी गर्दन को नहीं तोड़ती बल्कि वो उसके फेस के दो टुकड़े कर देती है। नंबर 60, जब कैप्टन मार्वल और वांडा के बीच में फाइट हो रही होती है तब
अगर आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो पता चलेगा कि वांडा कैप्टन मार्वल की पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगती है, जिस वजह से कैप्टन मार्वल के अंदर से ग्लो खत्म हो जाता है और वो स्टैचू गिरने से ही मर जाती है। नंबर 17 क्रिस्टीन सोल्स ऑफ डैम को हेल में बैनिश करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करती है वो सेम डिवाइस डॉक्टर स्ट्रेंज भी यूज करता है काइसिलियस को बैनिश करने के लिए, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में देखा था और उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता ही नहीं था कि उस डिवाइस को कैसे यूज करते हैं। नंबर 18 मूवी के एंड में जब वांडा को अपनी गलती रियलाइज होती है तब पीछे टीवी पर स्नो व्हाइट शो चल रहा होता है और इस शो में भी एक विच होती है जो एक टीनेजर लड़की के पीछे पड़ी हुई होती है और इसी तरह से स्कारलेट विच को भी मूवी में दिखाया गया है जहां वो अमेरिका चावेस की पावर्स के पीछे पड़ी हुई होती है और इस शो में जो विच होती है वो एंड में अच्छी हो जाती है और अपनी जान ले लेती है और एग्जैक्टली वांडा भी मूवी के एंड में ऐसा ही करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।